नमस्कार, मैं उत्तम पांडे और आप देख रहे हैं एईजे न्यूज। आज अयोध्या जाते समय जिला पंचायत सदस्य सोनिया रावत के कार्यालय पर एससी एसटी आयोग के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व स्वास्थ्य राज्य मंत्री राम बाबू हरित व राम नरेश पासवान प्रदेश उपाध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया गया। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीरें बाराबंकी जनपद की हैं, जहां पर आज लचबर बजहा में अयोध्या जाते समय जिला पंचायत सदस्य सोनिया रावत के कार्यालय पर भाजपा के एससी एसटी आयोग के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर राम बाबू हरित का और राम नरेश पासवान का जोरदार स्वागत किया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, मौके पर जिला अध्यक्ष भाजपा के अवधेश श्रीवास्तव भी मौजूद हैं। यहां पर स्वागत समारोह चल रहा है। आपको यह भी बता दें कि प्रमोद तिवारी जिला उपाध्यक्ष भी मौजूद रहे। इस अवसर पर पूर्व प्रत्याशी अमरीश रावत के साथ तमाम सदस्यगण व भाजपा सदस्य मौजूद रहे। जिला पंचायत सदस्य सोनिया रावत पति पंकज रावत ने फूल मालाओं से जोरदार आए हुए अतिथियों का स्वागत किया। स्वागत समारोह के बाद उनसे बातचीत की गई। आइए सुनाते हैं आपको प्रदेश के एससी एसटी आयोग के अध्यक्ष राम बाबू हरित ने क्या कहा। डॉक्टर राम बाबू हरित, एससी एसटी कमीशन चेयरमैन। मैं और मेरे माननीय उपाध्यक्ष राम नरेश पासवान जी और मेरे माननीय सम्मानित मंत्री सदस्य रमेश रूपानी जी और अनीता जी, हम चारों लोग इस समय जो है आयोग के दौरे पे निकले हुए हैं और लगभग हम चार कमीशन भी पूरा करेंगे इस बार। इसमें हम सब जनपदों में जाएंगे और जो हमारे केंद्र की और हमारे प्रदेश की अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ी जातियाँ या सवर्ण गरीब जातियों के लिए योजना चल रही है, उनका ठीक प्रकार से क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं ये देखना, अधिकारियों को सक्रिय करना, जिससे इन योजनाओं का सही तरह से लाभ जो भी हमारे पात्र व्यक्ति हैं उनको मिल सके, इस उद्देश्य के लिए हम चल रहे हैं। और इसके साथ चूँकि ये हमारा गरीब समाज होता है तो ये कोई किसी के सामने कोई दिक्कत है परेशानी है तो सीधा हमसे मिल करके अपनी समस्या से अवगत करा सकता है, इसको आयोग संज्ञान में लेकर के उसके ऊपर न्याय संगत कार्रवाई करता है। 2022 में चुनाव होने वाले हैं, इसके बारे में पार्टी की क्या रणनीति है, क्या आगे का प्लान है? 2022 में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें हम 300 प्लस का अपना लक्ष्य लेके चल रहे हैं और हमारे सभी देवकुल कार्यकर्ता, हमारे जैसे हर जनपद का जो हमारा जिलाध्यक्ष होता है उसके नेतृत्व में काम करेगा और जैसा हमारा राजकीय और प्रदेश नेतृत्व हमें निर्देश दे रहा है उसके अनुरूप सब हम काम कर रहे हैं। और चूंकि माननीय मोदी जी जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं वो इस समय विश्व स्तर के नेता बन चुके हैं और हमारे संत जो जन कल्याण के लिए हमारे प्रदेश की बात को संभाले योगी आदित्यनाथ जी, उनके द्वारा जो भी योजनाएं चल रही हैं, जो सरकार की ऐसी कल्याणकारी योजनाएं समाज के लिए और अपने प्रदेश और देश के लिए चल रही हैं उसकी वजह से हमारी सरकार तो बननी है। सर, आखिरी क्वेश्चन है, सपा साइकिल रैली कर रही है, कांग्रेस भाजपा हटाओ कह रही है, जो बसपा है वो ब्राह्मणों को अपने में शामिल करने की बात कह रही है, लेकिन इसके आगे अभी तक विपक्ष वाली पार्टियां कहती हैं कि इनके पास राम मंदिर का मुद्दा था, वो भी मुद्दा खत्म हो गया, तो आखिर आप चुनाव जब लड़ेंगे 2022 का तो क्या मुद्दा होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ध्येय को लेकर के चल रही है और वो ध्येय हमारा ये है कि इस भारत माता का खोया हुआ वैभव हमें प्राप्त करना है, हमें पुनः अखंड भारत बनाना है, इस भारत को विश्वगुरु बनाना है, हम इस कार्य के लिए कर रहे हैं। इसलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि जो सबसे आखिरी सीढ़ी बैठा व्यक्ति है अंत्योदय के द्वारा, उसके चेहरे पर खुशी लानी है हमें, उसको मान सम्मान, उसको रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य उसकी सब बेहतर करनी है। और जिस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर एक कोशिका होती है, कोशिका के अंदर कोई भी कष्ट होता है, इन्फेक्शन होता है, तो पूरा शरीर उससे जो है इफेक्ट होता है, यहाँ तक कि व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक इसी प्रकार से हमारा देश जो है उस देश की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो एक परिवार होता है। तो हमारी पार्टी जो है सबको बिना किसी भेदभाव के, जाति से ऊपर उठ करके, वर्ग से ऊपर उठ करके, भाषा से ऊपर उठ करके, क्योंकि हमारे भारत के, हमारे हिंदुस्तान के सभी लोग हैं, सबका सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं,
हमारा ये जो राजनीति है या सत्ता है, ये हमारा साधन है, इससे हम कोई बहुत ही ज़्यादा आनंद लेने वाले नहीं है। अन्य पार्टियों की तरह, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी, उन्होंने इसको जो है एक भौतिक के रूप में सुख सुविधा का साधन बना रखा था उन्होंने राजनीति। और भारतीय जनता पार्टी हमारी इन सबसे ऊपर उठ के काम कर रही है, क्योंकि हमारे जितने कार्यकर्ता हैं, आप देखेंगे कि लगभग हमारे 3000 कार्यकर्ता तो ऐसे हैं जिन्होंने अपना सब कुछ नौछावर करके केवल राष्ट्र की सेवा में वो अपने को अर्पित किए हुए हैं, जिन्हें हम श्रद्धा से प्रचारक के रूप में कहते हैं। और उनका उद्देश्य जो है इस भारत माता को परम वैभव शिखर पर ले जाने के लिए है, और कोई उनका उद्देश्य नहीं है। उन्होंने शादी की नहीं है और 18-20 घंटे तक वो लोग काम करते हैं इस भारत माता की सेवा के लिए। तो जिस पार्टी में इस तरह के कार्यकर्ता हों, जिस संगठन में इस तरह के लोग हों, तो वो तो देखिए जो पूजा लेके चल रहे हैं उसको बहुत शीघ्र ही प्राप्त कर लेंगे। राम मंदिर हमारा एक था, राम मंदिर हमारा बन गया, 370-335 हमें हटाना था, हमने हटा दिया। और तमाम चीज़ें अभी कॉमन कोर्ट में कानून लाना है, मतलब सिविल कोर्ट कानून लाना है हमें, और 3 तलाक वाला भी हमने की मुद्दा सोल्व कर दिया, जिससे कि हमारी अल्पसंख्यक बहनों के साथ भी अत्याचार, उससे भी मुक्ति मिली हमने न्याय के द्वारा, उनको भी आगे आने वाले समय में काफ़ी कुछ लाभ मिलेगा। अभी तो बहुत मुद्दे हैं देश के अंदर, तो जब तक अभी देश के अंदर शिक्षा अधूरी नहीं कर देंगे, सबके मकान नहीं बन जाएंगे, सबकी जो है रोगी की व्यवस्था, रोजगार की व्यवस्था नहीं हो जाएगी, जब तक सबको हम स्वावलंबन की श्रेणी में ले जाके एक स्थान पर नहीं खड़ा कर देंगे, तब तक ये कारवा हमारा चलता रहेगा। बहुत सारा लाभ के संदर्भ में हमारी सरकार बहुत ही जो है संवेदनशील है, और हमने ये व्यवस्था सुनिश्चित की है कि लोगों में जनजागरण किया जाए, इसलिए जो भी व्यक्ति गौशाला बना के गायों को संरक्षण दे रहे हैं उनको नॉर्मल रुपये प्रति गाय के हिसाब से पर मंथ के हिसाब से भी आ रहा है, नंबर एक। दूसरा ये है कि गौ माता जो होती है, हमेशा मानते हैं कि उसके अंदर 84 देवता वास करते हैं, और गौ की हर चीज जो है मनुष्य के कल्याण के लिए होती है। इसलिए जो भी मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे लोग हैं जो गौशाला जब तक गाय हमारी दूध दे रही है उसका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो दूध देना बंद करें तो उसको ऐसे मान के चलना चाहिए जैसे अपने परिवार में माता पिता को, जब मानी माता पिता की उम्र बढ़ जाती है तो उन्हें निकाल धुल देते हैं, उनका लास्ट तक आखिरी समय तक उन्हें संरक्षण करते, ऐसे ही गौ का भी संरक्षण सब लोगों को करना चाहिए, तो इस समस्या का निराकरण हो जाएगा। जैसे हमारी सरकार के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा कैसे गौशालाएँ बने, उसमें गौ को हम रख करके उनका संरक्षण कर रहे हैं, लेकिन जब तक देखिए सरकार कोई भी चीज़ चलाती है, जब तक जन सहभागिता उसमें नहीं जुड़ती है, जब तक उसका परिणाम सुखद नहीं आता है, इसलिए सभी लोगों को इसमें अपनी सहभागिता निभानी चाहिए, और अपना गौ को जब हम पाल रहे हैं जब तक उसका आखिरी समय हो तब तक उसे अपने यहाँ रखना चाहिए, उसका पालन पोषण करना चाहिए, तो कम से कम उन्हें पुण्य भी मिलेगा। अब हम आपको रामनरेश पासवान को सुनाने जा रहे हैं, जो कि SC ST आयोग के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, उन्हें भी सुने। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति आयोग जो SC ST का उत्पीड़न होता था, वो एक तरह से न्यायपालिका है, उसको सुनवाई होता था, जो अधिकारी या अन्य कोई वर्ग दबंग हो जो उसको अपमानित करते थे उसे जो है तलब किया जाता था। अब उसमें कैसे में विलम्ब होता था, हम लोगों ने तय किया है अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश में सभी जनपद में जाकर के सभी अधिकारियों को बुला करके सुनवाई करते हैं, उनकी समाधान वही करा रहे हैं, और जनपद स्तर पर जाने पर 75% मामला वहीं पर सॉल्व हो जाता है, इसलिए जो है उनकी सुनवाई तत्काल हो, उनको लखनऊ दौड़ना न पड़े, इसलिए हमने पूरे उत्तर प्रदेश का प्रवास तय किया है। और जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जी ने गरीबों को, दलितों को, वंचितों को, पिछड़ों को जिस तरह से जो है पैर पर खड़ा करने के लिए, अब जैसे प्रधानमंत्री जी ने दो संकल्प बहुत बड़ा लिया, 2022 तक भारतवर्ष के सभी गरीबों को पक्के छत दूंगा, और 2024 तक पूरे भारतवर्ष में सारे गरीबों को नल जल योजना के अंतर्गत फिल्टर पानी नल के अंदर दूंगा, इतना बड़ा संकल्प ये पहली बार हुआ है, उसके मंत्रालय अलग बन रहा है और सारे क्षेत्रों में काम हो रहा है, हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, हम लोग अनुसूचित जाति जनजाति का जहाँ पर सम्मान करते हैं, जहाँ पर उसकी रक्षा करते हैं, उसी तरह से जो समाज में बसपा के सरकारें में फर्जी मुकदमे कायम हुआ करते थे, कहीं दो सवर्णों में झगड़े होते थे, उसमें एक किसी अनुसूचित जाति को खड़ा करके मुकदमा करा दिया जाते थे, फर्जी उसका दुरुपयोग होता था, सीओ को मैनेज कर लिया जाता था। हम लोगों ने उसे प्रयास करें कि वो भी देश और समाज तब विकास होगा कि पूरे समाज मिल करके खड़ा होगा, इसलिए हम लोगों ने कोशिश करें कि केस का दुरुपयोग न हो, फर्जी मुकदमे न हो, सबके साथ न्याय हो और सब लोग मिलकर के समाज और देश की विकास हो, ये हम लोगों का लक्ष्य है। इस तरह पूरे
अभी यहाँ यहाँ सब लोग अयोध्या जाएंगे, अयोध्या में बैठक है, बस्तु में बैठक है, सिद्धार्थ नगर है, गोरखपुर है, देवलिया, महाराजगंज, कुशीनगर, बलिया, मऊ, गोरख मऊ, गाजीपुर, वाराणसी, इस तरह से पूरे कार्यक्रम लगे हुए हैं। अभी हम लोग निकले हैं तो फिर जो है 10-12 दिन के दौरे पर निकले हैं, हर समय इस तरह से दौड़ा करेंगे। सर, एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि गौशाला का निर्माण भी आपने कराया, गौहत्या भी बंद कराई, आपकी सरकार में बंद हुई, लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा है किसानों का मुद्दा है, क्योंकि रात दिन किसान अपनी फसल की रखवाली करता है और जानवर से वो कैसे बचा पाए, सबसे बड़ा मुद्दा ये है, तो इसके बारे में नहीं, उसके लिए भी प्रयास हुआ है कि अगर दूसरे पशु छूटे न छोड़ा जाए, और उसके लिए अगर छूटे छोड़ते हैं तो उसके लिए अलग व्यवस्था किया गया है, ताकि रोजगार लोगों ने समाज में उनको उत्तेजना बढ़ाया जा रहा है, उनको ताकि सब लोग मिलजुल कर अपने पशुओं की सुरक्षा करें, जरूरत न पड़े पानी हाउस में डाला जाए। इस अवसर पर जिले से लेकर के प्रदेश स्तर तक बड़े नेता शामिल रहे। आपको ये भी बता दें कि जिला पंचायत सदस्य के कार्यालय पर जो बैठक हुई थी, वहाँ पर SC/ST आयोग के अध्यक्ष व पूर्व स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर रामबाबू हरित का और रामनेश पासवान का जोरदार स्वागत किया गया। यहाँ पर जिला पंचायत सदस्य के द्वारा लोगों को अंगवस्त्र दे करके, जो वहाँ पर लोग आए थे उनको अंगवस्त्र दे करके उनको सम्मानित भी किया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, सोनिया रावत जिला पंचायत सदस्य हैं, पंकज सिंह उनके पति हैं, जो कि वहाँ पर जो लोग आए थे उनको अंगवस्त्र दे करके उनका स्वागत कर रहे हैं। इस मौके पर राकेश पटेल मौजूद रहे। AEZ News के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बाराबंकी।